एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, ये मेरे नौकर मुझसे ज्यादा कैसे खुशबाश फिरते हैं, जबकि इनके पास कुछ नहीं और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत अपने किसी खादम पर कानून नंबर 99 का इस्तेमाल करके देखिए। बादशाह ने पूछा, अच्छा ये कानून नंबर 99 क्या होता है? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत एक सुराही में 99 सोने की अशरफियां डालकर सुराही पर लिखिए कि इसमें तुम्हारे लिए 100 अशरफियों का हदिया है। रात को किसी खादिम के घर के दरवाजे के सामने रखकर दरवाजा खटखटाकर इधर उधर छुप जाएं और तमाशा देखें। बादशाह ने यह तजुर्बा करने का फैसला किया और जैसे वजीर ने समझाया था वैसे ही किया। सुराही रखने के बाद दरवाजा खटखटाया और छुपकर तमाशा देखना शुरू कर दिया। दस्तक सुनकर अंदर से खादिम निकला। सोने की अशरफियों से भरी हुई सुराही देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने सुराही उठाई और घर चला गया। अशरफियां गिनी तो 99 निकली, जबकि सुराही पर 100 अशरफियां लिखा था। खादिम ने सोचा, यकीनन एक अशरफी कहीं बाहर गिरी होगी। खादिम और उसके सारे घर वाले बाहर निकले और अशरफी की तलाश शुरू कर दी। 99 अशरफियां गैब से मिलने की खुशी छोड़कर उनकी सारी रात एक अशरफी की तलाश में गुजर गई। खादिम का गुस्सा और बेचैनी देखने लायक थी। उसने अपने बीवी बच्चों को सख्त सुस्त भी कहा, क्योंकि वो एक अशरफी तलाश करने में नाकाम रहे थे। दूसरे दिन ये मुलाजम महल में काम करने के लिए गया तो इसकी आंखों से जगराते, काम से झुंझलाहट और शक्ल पर अफसुर्दगी अयां थी। बादशाह समझ चुका था कि 99 का कानून क्या हुआ करता है। लोग इन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अता फरमाई होती है और सारी जिंदगी उस एक नेमत के हसूल में सरगर्दा रहकर गुजार देते हैं जो इन्हें नहीं मिली होती। लोग अपनी उसी एक मफकूद नेमत के लिए सरगर्दा रहकर अपने पास मौजूद 99 नेमतों की लज्जतों से महरूम रहते हैं। हमें हासिल हो जाने वाली इन 99 नेमतों पर अल्लाह का एहसान मानना चाहिए और इनसे मुस्तफीद होकर शुक्रगुजार बंदे बनकर रहना चाहिए।